देश दुनिया और प्रदेश के लोगों पर अचानक कोरोना का कहर टूटा और ये वार ऐसा था कि लोगों को अपनों से भी फासले रखने पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आज मैं आपसे मुखातिब हूं एक उस मामले को लेकर जिसे जानकर सवाल आपके जहन में भी उठेगा कि क्या ऐसा भी होता है। दरअसल आज जिस मामले पर हम चर्चा करेंगे वो मामला जुड़ा है राजस्थान के पुष्कर से और ये दास्तां है एक उस माँ की और उसकी बेटी की जो देश में अचानक हुए लॉकडाउन के जाल में ऐसे फंसे कि बस उन्हें चिंता थी तो केवल अपनी जिंदगी। दरअसल इन तस्वीरों में नजर आ रही ये माँ बेटी करीब 15 दिन पहले अपने इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल गई और दिल्ली के एम्स अस्पताल भी इन्हें इसलिए पहुंचना पड़ा कि पुष्कर में ही एक महिला ने इस बच्ची को गलत तरीके से इंजेक्शन लगा डाला। अब इस बच्ची का एक सच और बता देते हैं। दरअसल ये लड़की कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वक्त ने इस माँ बेटी का ऐसा इम्तिहान लिया कि फिर इन दोनों को एक दूसरे की जान की चिंता सताने लगी। स्कूल है ना, ये यहाँ पे सांसी बस्ती, उस स्कूल में मेरी मैम ने हमें इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती है ना दो जने को पकड़ के फिर इंजेक्शन ये जांग में लगवाया था, तो उसकी वजह से फिर है ना बायो फिर वहाँ हॉस्पिटल गए थे ना, जब यहाँ से पीस काट के लेके जा रहे थे ना, जब है ना उन डॉक्टर ने खुद ने कहा था, वीडियो बन रही थी ना, जब मैंने खुद ने देखा था कि हड्डी में सुई लगी हुई है, छेद है, तो फिर कहा कि मुझसे पूछा कि ये इंजेक्शन लगाया क्या, मैंने बोला हाँ सर इंजेक्शन तो लगाया हुआ मेरे, कि किसने लगाया, मैंने पूछा मेरी मैम ने लगाया, उनका नाम मीनाक्षी मैम है। देश में अचानक हुए लॉकडाउन के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी इन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली, ये कहना है इस माँ और बेटी का। थोड़ा मेरा हो जाए तो अच्छा है, 70,000 वहाँ मांगे थे फिर और जाँचे वाचे बहुत भारी भारी, तो फिर वहाँ से किसी माफ़ करवाए थे, फिर कर्जा ले लेगी इसका इलाज करवाया, अभी इसका 6 महीने निकल गया तो इतना जहाँ हड्डी था तो इतना खराब हो गया, अभी बड़ी बड़ी यहाँ प्लेट डाल दी अंदर जांग में, इसीलिए। और आखिरकार इन्हें देश की राजधानी छोड़ अपनी मंजिल पुष्कर तक लौटने की मजबूरी तैयार हो गई, हाथ में पैसा नहीं, जो था वो खर्च हो गया, कर्जदार हो गए, तो फिर ये माँ बेटी निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर पैदल ही। पता चला कि गुड़गांव तक ये माँ बेटी पैदल ही पहुंच भी गए, लेकिन कहते हैं कि हिम्मत दिखाने वालों का भगवान भी साथ देता है। दरअसल जब इस बात की खबर पुष्कर के कुछ लोगों को लगी तो मामला प्रशासन तक भी जा पहुंचा, इलाके के राजनेताओं तक भी बात पहुंची, तो फिर शुरू हुई इन्हें गाड़ी से लाने की कवायद और फिर लोग कामयाब भी हो गए। पुष्कर पहुंचने पर DYSP विनोद कुमार, थाना अधिकारी राजेश मीणा ने भी विशाखा और उसके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कैंसर के ऑपरेशन के बाद कीमो कराने गई विशाखा और उसकी मां ने शायद सोचा भी नहीं था कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद के हालातों से देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स से बिना इलाज बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पैदल कैसे जाएंगे, लड़की के इतना बड़ा ऑपरेशन हो रखा तो कैसे जाएंगे हम, कि वो हमारी परेशानी नहीं वो तुम्हारी परेशानी है, तो वहाँ वीडियो में दी थी तो बोला कि ऐसी परेशानी है तो हमारे के बहुत प्रॉब्लम है काम में, ये ना हमारे पास पैसे थे, ये जीतू जी बन्ना है ना उनने थी हमारे उनसे बात हुई थी तो गाड़ी कल से ही वहाँ रात को आ गई थी 3 बजे, सर ने बात की थी कि गाड़ी आपको लेने आएगी, फिर फोन बोला फोन करके के सुबह डॉक्टर को दिखा के फिर आना के यहाँ। न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें कि विशाखा नाम की लड़की है जो एम्स में कैंसर के इलाज के दौरान वहाँ पे लॉकडाउन के दौरान फंस गई थी, जो ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर तक भी आती थी लेकिन उसकी कोई व्यवस्था यहाँ आने की नहीं बैठ पा रही थी, तो हमारी पुलिस टीम पत्रकार बंधुओं ने जो भी गणमान्य लोग हैं उनके सहयोग से आज कुशल पुष्कर में आ गए। कैंसर पीड़ित विशाखा की ये कहानी जितनी दर्द भरी है उससे कहीं अधिक उसके जीवन में दर्द है। पिता से अलग माँ विशाखा सहित दो भाइयों को सिलाई कर पालती थी, इस बीच स्कूल में लापरवाह तरीके से उसके गलत जगह गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया गया, ये इंजेक्शन हड्डी को छू गया और जिसके बाद उसके गांठ बनने लगी तो बाद में कैंसर में तब्दील हो गई। बहरहाल अब ये माँ बेटी तो अपने मुकाम तक पहुँच गई, लेकिन दिल्ली के अस्पताल की जो डरावनी तस्वीर इन्होंने देखी वो डर आज भी कायम है। लेकिन कहते हैं कि इंसानियत भी आज जिंदा है, जिसका नमूना पेश किया पुष्कर प्रशासन ने। पुष्कर के अधिकारियों ने
और कुछ राजनेताओं समेत समाज सेवियों ने। नमस्कार।